हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड केसरी। अपने अतरंगी फैशन और अतरंगी लिबासों से जाने जाने वाली एक्ट्रेस उर्फी जावेद के फैशन सेंस को देखना अब लोगों के लिए आम बात हो गई है। ट्रोलिंग और उर्फी का तो मानो जैसे चोली दामन जैसा नाता हो, ऐसा ही कोई ड्रेसिंग सेंस होगा जिसे उर्फी को ट्रोल ना किया जाता हो। हालांकि ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब देना भी एक्ट्रेस को अच्छे से आता है। उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम पर बीते दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कुछ लोग उनकी बॉडी पर POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस डालते दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो के लिए भी उर्फी को जमकर ट्रोल किया गया था, लेकिन अब इन सबसे हटकर बड़ी बात यह है कि उर्फी को ट्रोलिंग और ट्रोल करने वाले लोगों से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। हाल ही में एक टॉक शो में उर्फी ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो समाज के लिए एक धब्बा हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उर्फी ने बताया था कि वो 3 महीने से कम लोगों की बातों से अफेक्ट हो रही हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें लगता है कि शायद ट्रोलर सही बोल रहे हैं। एक्ट्रेस इस दौरान कहती है कि मुझे लगने लगा कि मैं शायद सच में समाज के लिए एक धब्बा बन चुकी हूँ। शायद मैं औरत कहने के लायक नहीं हूँ। शायद मैं सच में यंग जनरेशन के लिए एक बैड एग्जाम्पल हूँ। लेकिन अब मेरे पास इससे वापसी जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं क्विट भी कर दूँ तो मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो हमेशा एंटरटेनमेंट पर रहने वाला है। मुझे लगता है कि क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? कोई फैमिली मुझे नहीं अपनाएगी, कोई मुझे अपना दोस्त ही नहीं बनाएगा। चाहे पिज्जा की स्लाइस हो या फिर बिजली की तारे, कांच के टुकड़े हों या ग्रीन टी बैग्स, एक्ट्रेस इससे जुड़ी हर तमाम चीज़ें अपने फैशन सेंस में यूज़ करती हैं और आए दिन अपने कपड़ों का नया बवाल लेकर आती हैं। आपका उर्फी जावेद के फैशन सेंस को लेकर क्या ख्याल है और उर्फी जावेद की कहीं इन बातों पर आप क्या रिएक्ट करना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते हैं बॉलीवुड केसरी।